नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदेव जोशी, कार्यरत पटवारी राजस्थान रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आज ये वीडियो लाने का मकसद राजस्थान सरकार की निकाली हुई विद्या संबल योजना है, जिसके तहत राजस्थान के 17 जिलों में गेस्ट फैकल्टी 93,000 के लगभग लगाए जाएंगे। इसी कड़ी के तहत कार्यालय शिक्षा निदेशक बीकानेर ने इसकी विज्ञप्ति निकाली है, जिसके तहत आपको बता दूं 2 नवंबर से लेके 4 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। जी हाँ, 2 नवंबर से लेके 4 नवंबर तक आवेदन किए जाएंगे। जो आप पर्टिकुलर स्कूल जिसमें आप लगना चाहते हैं उसी के तहत वहाँ पे आपको आवेदन पत्र मिलेगा, या फिर ई मित्र से आपको इसका आवेदन पत्र मिल सकता है। और इसी एक PDF का लिंक मैं आपको इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके अंदर आवेदन पत्र होगा। वो आप आवेदन पत्र फिल करके जिस स्कूल में आप फैकल्टी लगना चाहते हैं उस स्कूल में वो आवेदन कर सकते हैं। 2 से 4 तारीख के बीच में बिल्कुल ऑफलाइन है ये प्रोसेस। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन है, वो अपन इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि किसी कैंडिडेट की पात्रता क्या हो सकती है, या फिर इस विधि के तहत चयन की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या साक्षात्कार होगा, या ये भर्ती अस्थायी है या स्थायी है, क्या मानदेय दिया जाएगा। तो इसी के तहत मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 4 पदों को 4 विभागों में बांटा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेवल 1 और लेवल 2 इसी के बराबर इक्विवेलेंट है, PTI टीचर और लैब असिस्टेंट। इसके बाद में है वरिष्ठ अध्यापक, और फिर है व्याख्याता। इन चारों पांचों पदों की अलग अलग एलिजिबिलिटी उन्होंने तय कर रखी है। जैसे व्याख्याता की मैं बात करूं तो कोई अगर कैंडिडेट स्नातकोत्तर पास है प्लस में BEd कर रखी है तो इसके लिए एलिजिबल है। वरिष्ठ के लिए अगर मैं बताऊं तो अगर वो स्नातक है और BEd कर रखी है तो इसके लिए एलिजिबल है। लेवल 2 के लिए अगर उसने BEd कर रखी है और वो स्नातक है तो वो एलिजिबल है। और लेवल 1 के लिए अगर 12th के बाद उन्होंने BSTC करी हुई है तो वो उनके लिए एलिजिबल है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के तहत ही वो पर्टिकुलर पद के लिए आवेदन कर सकता है। और इससे आगे की प्रोसेस अपन जानते हैं कि क्या अगर 2 या 4 के अंदर अपन ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसके आगे क्या उनकी प्रकाशन सूचियाँ होगी, कब तक आपत्तियाँ मांगी जाएगी और क्या क्या प्रोसेस होगी, तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो है साक्षात्कार जैसा कुछ भी नहीं रखा गया है। ये भर्ती बिल्कुल अस्थायी है, जो घंटे के बेस पे पेमेंट करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर अपन बात करें लेवल 1 और 2 अध्यापक, PTI और लेब असिस्टेंट, तो उनको होरली बेस में 300 रुपये मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मंथ में 21,000 रुपये उन्हें मिल सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक की बात करूँ मैं तो 350 रुपये उन्हें पर होर मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये उन्हें एक मंथ में मिल सकते हैं। व्याख्याता की अगर बात करूँ तो उन्हें पर होर 400 रुपये मिल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मंथ की अगर सैलरी कैलकुलेट करें तो उन्हें 30,000 रुपये मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अगर शैक्षणिक जो एलिजिबिलिटी और भर्ती का माध्यम क्या होगा उसकी अगर अपन बात करें तो जैसे व्याख्याता है तो उसके अंदर उनके 75% स्नातकोत्तर के जुड़ेंगे और 25% जो है वो प्रशैक्षणिक, जैसे BEd कर रखी है तो उसके जुड़ेंगे और उस आधार पर उनकी मेरिट निकलेगी। अगर वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो 75% उनके जो हैं वो स्नातक के जुड़ेंगे और 25% जो है उनकी BEd या प्रशैक्षणिक जो उन्होंने कर रखी है उसके जुड़ेंगे। लेवल टू के स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 75% उनके स्नातक के और 25% BEd के। BSTC के जो हैं 75% 12th में उन्होंने जो कर रखी है 12th है उनके 75% और उसके जो BSTC उन्होंने कर रखी है उसका 25% उन्हें उसको जोड़ के और उनकी मेरिट निकाली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मेरिट बेस है, कोई साक्षात्कार नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होगा। और हाथों हाथ अगर आपने 2 से 4 के बीच में फॉर्म फिल कर देते हो तो विद इन 5 to 7 days के अंदर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने होने वाली है और इसी मंथ के अंदर आपको ये ज्वाइनिंग देने वाले हैं। दस्तावेजों की अगर मैं बात करूँ तो आपको चाहिएगा 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपने आगे स्नातकोत्तर कर रखी है तो आपको मास्टर की मार्कशीट चाहिएगी, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएंगे आपको 2 प्रति, और आपको चाहिएंगे मूल निवास जिसकी 2 प्रतिलिपि आपको गजिस्टर्ड ऑफिसर से साइन करवाने हैं। अगर आप इस प्रोसेस के तहत सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जमा करवाना होगा शपथ पत्र, जो इस विज्ञप्ति के साथ अटैच है, मेरे लिंक में आपको मिल जाएगी। और आपको देना पड़ेगा अपनी एक फ़ोटो, नवीनतम फ़ोटो आपको उसकी जमा करवानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों,
आवेदन की जो तारीख उन्होंने रखी है वो 2 से 4 है, और सूची प्रकाशन की जो उन्होंने तारीख रखी है वो है 5 नवंबर को, वो सूची प्रकाशन कर देंगे कि इन इन कैंडिडेट्स ने हमारे यहाँ आवेदन किया है। वरीयता सूची की अगर बात करूँ तो वो 7 नवंबर की वो जारी कर देंगे, आपत्तियाँ वो मांगेंगे 9 नवंबर को, और अंतिम वरीयता सूची है वो 10 नवंबर को जारी कर देंगे। मूल दस्तावेजों की जो जाँच है वो 11 नवंबर को होगी। जी हाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं उनके जो मूल दस्तावेज वो मंगाएंगे और उनकी जांच करेंगे 11 नवंबर को, आदेश जारी कर देंगे वो ज्वाइनिंग का 12 नवंबर को। 12 नवंबर को पर्टिकुलर स्कूल या उनके प्रिंसिपल जो हैं वो आदेश जारी कर देंगे कि ये जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको कार्य ग्रहण के लिए आदेश दिया जाता है। अब जो कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि उन्होंने दी है वो 19 नवंबर है, 19 नवंबर से पहले उन्हें कार्य ग्रहण करना ही होगा। अब आपको मैं बता दूं सर कि एक कैंडिडेट मल्टीपल स्कूल में आवेदन कर सकता है, पर अगर वो ज्वाइन एक में ही कर पाएगा, अगर वो एक ज्वाइन नहीं करता है और अगर दूसरे में करता है तो उसका वहाँ पे जो सेकंड वरीयता का व्यक्ति है या कैंडिडेट है उसे उसमें एलिजिबल मान के उनको ले लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर अगर अपन बात करें सभी पदों को मिला के सबसे ज़्यादा जो मानदेय दिया जा रहा है वो व्याख्याता को दिया जा रहा है, और वो है 30,000 रुपये पर मंथ, अंतिम रूप से 30,000 रुपये उनको दिया जाएगा। और ये भर्ती की प्रक्रिया पूर्णतः अस्थाई है, उसके अंदर पहले से डिफाइन कर रखा है कि जब हम अपनी चालू भर्ती प्रतियोगिता से अपन कैंडिडेट ले लेंगे तो उनको अगर बिना रीजन दिए भी हम हटाते हैं तो उस पर वो वाद विवाद करने लायक नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, होप कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, और इससे रिलेटेड अगर आप कोई और भी क्वेश्चन है जैसे अनुभव से रिलेटेड है तो कोई नहीं मांग रहे, अनुभव आपको है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट जो मैंने आपको बताई दिए हैं। रीट पात्रता, जी हाँ दोस्तों, रीट पात्रता उनको चाहिए कि जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, और वो सेवानिवृत्त अध्यापक जो हैं उनको रीट की पात्रता से बाहर रखा गया है। वरिष्ठ और जो व्याख्याता है पद के लिए उनके लिए रीट की एलिजिबिलिटी मान्यता नहीं चाहिए, उनको बस स्नातक और स्नातकोत्तर उनकी होगी होनी चाहिए, और उन्हीं के परसेंटेज के बेस पे उनकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनने में अगर आपका नाम आ जाता है तो आगे की जो डेट्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया है ये प्रोसेस होने वाली है, उस प्रोसेस को अकॉर्डिंग आप उसे फॉलो करें और आप उसे अपने कर्तव्य पथ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो टीचर लाइन के एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना है, और मैं चाहूँगा उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोल